अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मसालेदार फरजबी की रेसिपी। फरजबी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। और हमने ये लिए है 250 ग्राम फरजबी और ये 3 मीडियम साइज के छोटे छोटे आलू जिसको हमने इस तरह से काट लिए है और धो लिए है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हम लेंगे 1 टेबल स्पून और इसको गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम एक प्याज मीडियम साइज की प्याज काट लेंगे बारीक बारीक। हमारा तेल हो चुका है गर्म, अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज जो हमने काट चुके थे। और प्याज को हल्की ब्राउन करने का है। और हमने कुछ मसाले लिए हैं, 1 टेबल स्पून भूखी लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून भूखी धनिया है और ये 1 टीस्पून गरम मसाला और ये एक मैगी मसाला है। और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, नमक अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। हमको प्याज ज्यादा नहीं हल्की ब्राउन के लिए करना है। और ये हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना है। इसको अच्छे से सब भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है वो कच्चापन इसका खत्म हो जाए। हमारे ये अदरक लहसुन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपना सारा भुक्का मसाला जो हम निकाल चुके थे पहले ही। भुक्का मसाला जो हम पहले निकाल चुके थे ये सबको भूनेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। अच्छे से भूनेंगे, इसको भूनेंगे जब तक इसका पानी खत्म ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपना फरजबी जो हमने काट चुके थे, वो पूरा डाल देंगे इसके अंदर। और इसको अच्छे से चला लेंगे। और हमने इसको चला चुके हैं, अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको धीमी आंच पे रख देंगे ताकि हमारा आलू और जो हमारी फरजबी भी वो गल जाए। अगर आधे गिलास पानी डालने के बाद भी आपका आलू और फरजबी भी नहीं गलेगी तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और धीमी आंच पे इसको पकाने का है ताकि हमारा आलू भी जो है वो भी और फरजबी भी एकदम अच्छे से गल जाए। तो हम इसको ढक के रख देंगे 5-5 मिनट, फिर देखेंगे हमारा आलू गला कि नहीं। हमने ढक्कन ढक दिए है, अभी हम इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे पकने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल के देखेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें अभी पानी है तो हम इसको और रख देंगे 5-10 मिनट के लिए ताकि इसका पानी सूख जाए और हमारा आलू भी उगल जाए। और इसमें पानी है तो इसको चला के बंद कर देंगे। जब तक हमारा पानी नहीं सूख जाता इसको और रखेंगे धीमी आंच पे ही। हमारी फरजबी हो चुकी है, आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से गल गया है। आलू भी हमारा गल गया है, अब इसको हम खाली एकदम अच्छे से भून देंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत भी पानी है वो एकदम अच्छे से खत्म हो जाए। अब इसको 5 आंच पे हम भूनेंगे। हमारी भाजी हो चुकी है, अब हम इसको बंद कर देंगे। और कोई चीज़ हमारी भाजी तैयार है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।